Hey everyone, welcome back to Minds Mind Tutorials. Our today's topic is subphylum 3 of phylum Chordata, that is Cephalochordata. So हमें यहाँ नोट करते हैं. सबसे पहले हम लोग आज सब फाइलम थर्ड देख रहे हैं, सब फाइलम 3, और इसके अंदर जो हमारा आज का नेम है, आज का टॉपिक है, वो है Cephalochordata. अब Cephalochordata के बारे में समझते हैं. सबसे पहले इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देखते हैं. सिफेलो जो मतलब होता है यहाँ पर, उसका मतलब कहीं ना कहीं होता है हेड से रिलेटेड, और कॉर्डेटा का मतलब कॉर्डेटा होता है. तो आप जानते ही, हमने उसके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो शुरू में देखे थे. अब जो सिफेलो कॉर्डेट्स होते हैं वो स्मॉल फिश लाइक एनिमल्स होते हैं. जैसे छोटी छोटी सी मछलियाँ होती हैं, उसी तरह से ये सिफेलो कॉर्डेट्स होते हैं. तो स्मॉल फिश लाइक एनिमल्स होते हैं जो कि मराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं. ये फिशेस नहीं है, लेकिन फिशेस जैसे ऑर्गेनिजम्स. सबफाइलम 3 जो है सिफेलोकॉर्डेटा, उसमें छोटे फिश जैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिसमें आ जाते हैं मराइन वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स. और ये सभी, इनके अंदर अगर हम देखेंगे तो जितने भी कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं, सारे इनमें पाए जा सकते हैं. ये फ्री स्विमिंग होते हैं और मड में पाए जाते हैं, तो फ्री स्विमिंग भी कर सकते हैं ये, और मड के अंदर भी पाए जा सकते हैं. इनकी जो बॉडी होती है वो 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर्स तक लॉन्ग हो सकती है. ये सेगमेंटेड भी होते हैं और ट्रांसपेरेंट भी होते हैं. फिर इसके अंदर अगर जो बात हमारे लिए ज़रूरी है वो है कि इनका जो डिस्टिंक्ट हेड एक ऑर्गेनिज्म में होता है, वो इनमें एब्सेंट होता है. तो इनका जो डिस्टिंक्ट हेड है वो एब्सेंट है, और इनकी बॉडी ट्रंक और टेल के अंदर डिवाइड हो रही है. क्योंकि अगर हेड एब्सेंट हो जाएगा तो बॉडी जो दो चीज़ों में डिवाइड होना चाहिए, वो ये दो चीज़ें रहने वाली है. अब क्या होता है, इनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस भी एब्सेंट होते हैं. तो यहाँ नोट करेंगे, पेयर्ड अपेंडेजेस जो होते हैं वो भी इनमें एब्सेंट होते हैं. यानी कि जो फिन्स होना चाहिए, पेक्टोरल पेल्विक फिन्स, जो पेयर्ड होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, वो इनमें एब्सेंट होते हैं. लेकिन जो मीडियन फिन्स होते हैं, मीडियन फिन्स, वो इनमें प्रेजेंट होते हैं. तो पेयर्ड अपेंडिजेस तो एब्सेंट है, लेकिन जो मीडियन फिन्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है. और इनके अंदर एक्सोस्केलेटन भी एब्सेंट होता है. जो बाहर वाला स्केलेटन होना चाहिए वो इनमें नहीं पाया जाता, तो एक्सोस्केलेटन अगेन इनमें एब्सेंट होता है. और इसमें सिर्फ एक एपिडर्मी की सिंगल लेयर होती है, एपिडर्मी की सिंगल लेयर पाई जाती है इसके अंदर, एक लेयर. जैसे वो 3 लेयर्स की हो सकती है, तो वो नहीं है. यहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर की एपिडर्मिस होगी यहाँ पर. दूसरी बात, जो मसल्स होती है इनकी डॉर्सोलेटरल होती है. तो यहाँ पर मसल्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, वो कैसी होती है, डॉर्सोलेटरल होती है. और जो मायोटोम्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो मसल्स में पाए जाते हैं मायोटोम्स, वो यहाँ पर सेगमेंटली अरेंज रहते हैं, सेगमेंटली अरेंज्ड. अब दूसरी बात यहाँ पर समझते हैं, इनकी जो सीलोम होती है वो एंटेरोसीलोमिक होती है, एंटेरोसीलोमिक सीलोम पाई जाती है इनमें, जो कि कहना चाहिए उसके अंदर, जो एंटेरोसीलोमिक सीलोम है उसके अंदर क्या कहना चाहिए कि वेल डेवलप्ड एट्रियम पाया जाता है फेरेंजियल रीजन के अंदर, जो कि पुअरली डेवलप्ड रहता है. तो ये वाली बात यहाँ पर रहती है. सो एंटेरोसीलोमिक सीलोम कैसी रहेगी, ये पुअरली डेवलप्ड रहेगी, पुअरली, ठीक है. और क्यों पुअरली डेवलप्ड, अगर कोई रीज़न पूछे, क्योंकि इसके जो कहना चाहिए फेरेंजियल रीजन होता है, वहाँ पर वेल डेवलप्ड एट्रियम होता है. तो जब वेल डेवलप्ड एट्रियम जो है वो अगर फेरेंजियल रीजन होगा, तो जो एंटेरोसीलोमिक सीलोम होगी वो पुअरली डेवलप्ड होगी. यहाँ पर ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड. अब ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड दोनों ही इनमें पाए जाते हैं, तो दोनों के नाम हम यहाँ लिख लेते हैं, वो इनमें प्रेजेंट रहते हैं. तो राइट का मतलब है प्रेजेंट. फिर उसके बाद जो इनकी बॉडी लेंथ होती है उसमें पूरी तरह से पाए जाते हैं. और सिफेलोकॉर्डेटा का यहाँ पर मैंने मीनिंग शुरू में बताया था, उसको याद से यहाँ पर नोट करेंगे, हेड और यहाँ पर कॉर्ड, ठीक है. तो ये तो मीनिंग हो गया. सिफेलिस का मतलब होता है हेड, और जो कॉर्डेटा होता है उसमें कॉर्ड वर्ड आ जाता है, कॉर्डा का मतलब. अब जो इनका फेरिंग्स होता है उसको समझते हैं. इनका फेरिंग्स जो होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, और उसके अंदर न्यूमरस डिस्टिंक्ट फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं. इसकी एट्रियल कैविटी भी वेल डेवलप्ड होती है, एट्रियल कैविटी वेल डेवलप्ड होती है. फेरिंग्स इसका लार्ज होता है, नोट करते रहेंगे, और इस पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं. और एट्रियल कैविटी की बात करें तो वो भी वेल डेवलप्ड होती है. एंडोस्टाइल जो होती है उसकी जो कहना चाहिए, मतलब एक आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह में भी रहता है ये स्ट्रक्चर. सो एंडोस्टाइल और जो सीलिएटेड ट्रैक होना चाहिए वो इसके फेरिंग्स में पाया जाता है. तो इसके फेरिंग्स के अंदर एंडोस्टाइल भी इंक्लूड करेंगे हम, और यहाँ पर आ जाएगा सीलिएटेड
तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। एंडोस्टाइल और सीलिएटेड ट्रैक फेरिंग्स में रहेंगे, तो ये क्या काम में हेल्प करेंगे? फूड के जो पार्टिकल्स हैं उसको होल्ड करने में हेल्प करेंगे। जैसे फूड पार्टिकल्स वहाँ से जाएंगे तो उसको पकड़ लेंगे वहाँ पर। अब इनकी गोनेट्स की बात करते हैं साथ में। जो गोनेट्स होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के, वो भी सेगमेंटली अरेंज रहते हैं। सेगमेंटली यानी एक सेगमेंट के वे अरेंज रहेंगे, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स होंगे जहाँ पर वो गोनेट्स अरेंज रहेंगे। इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो रहते हैं वो सेगमेंटेड नेफ्रीडिया होते हैं, तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर सेगमेंटेड नेफ्रीडिया याद रखेंगे। फर्टिलाइजेशन जो होता है इन ऑर्गेनिजम्स का वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा, विदाउट अगर बात करें तो फीमेल्स बॉडी के आउटसाइड जो इन्वायरमेंट होगा उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि सी वाटर में होगा। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कोई लार्वा इंक्लूड नहीं होता है, यानी फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज। लेकिन फिर भी इसमें जो कहना चाहिए फ्री स्विमिंग लार्वल, मैंने गलत कह दिया सॉरी, डायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें नहीं होता, यानी कि लार्वा इसमें इन्वॉल्व होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में तो होता है। तो जो लार्वल स्टेज इनकी होती है वो फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होती है, यानी जो लार्वा होगा वो आसानी से कहीं पर स्विम कर सकता है। और 30 नॉन स्पीशीज ऑफ सेफेलोकॉर्डेट्स आज की डेट में हमें पता है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा होता है, सिर्फ इसके अंदर सेफेलोकॉर्डेटा का नाम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले तो, सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, सेफेलोकॉर्डेटा। तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक क्लास में ये फर्दर डिवाइड होता है, सिर्फ एक ही क्लास होती है जिसको सिफेलोकॉर्डा कहा जाता है। और उसके अंदर सिफेलोकॉर्डा के अंदर यहाँ पर जो सिफेलोकॉर्डा है उसके अंदर एक फैमिली फर्दर और आती है, सिर्फ एक फैमिली यहाँ लिखते हैं। और यहाँ पर इसकी एक फैमिली को ब्रांचियोस्टोमिडी कहा जाता है। सिफेलोकॉर्डा इसकी क्लास थी, इसकी एक फैमिली जो है वो ब्रांचियोस्टोमिडी है। ब्रांचियोस्टोमिडी अगेन दो जेनेरा के अंदर डिवाइड होता है, तो दो जेनेरा के अंदर कौन डिवाइड हो रहा है यहाँ पर? ब्रांचियोस्टोमिडी डिवाइड हो रही है। दो जेनेरा के अंदर पहला तो क्या हो जाता है यहाँ पर, एक होता है ब्रांचियोस्टोमा, और जो दूसरा नाम यहाँ पर होता है वो होता है ए सिमेट्रॉन। अब ब्रांचियोस्टोमा के बारे में समझिए, इसका एक और नाम एम्फियोक्सेस भी होता है यहाँ पर, मतलब कहना चाहिए एम्फियोक्सेस आ जाते हैं, एम्फियोक्सेस। और ए सिमेट्रॉन दूसरी तरफ है। जो जीनस ब्रांचियोस्टोम्स होते हैं या फिर स्टोमा भी आप कह सकते हैं, इसके अंदर 8 स्पीशीज होती है, लेकिन इसमें कितनी स्पीशीज होती है? 8 स्पीशीज। हम और डिटेल में चलेगा, आप देखिए ये दो जेनरा के अंदर, पहले जेनरा के अंदर 8 स्पीशीज पाई जाती है, वहीं जो ए सिमेट्रॉन वाला जेनरा है उसमें 7 नॉन स्पीशीज पाई जाती है, 7 स्पीशीज है यहाँ पर। अब बात करते हैं क्लास सिफेलोकॉर्डेटा के कुछ कैरेक्टर्स की, या फिर सॉरी क्लास सिफेलोकॉर्डा के कुछ कैरेक्टर्स की। सिफेलोकॉर्डा के अंदर जो बॉडी रहती है वो स्मॉल फिशेस की तरह होती है, जैसे छोटी मछलियों की बॉडी होगी वैसे इनकी बॉडी होती है। इनकी बॉडी पर मेटामर्स और मायोटोम्स जो रहते हैं वो क्वाइट डिस्टिंक्ट होते हैं। इनकी बॉडी पर यानी सिफेलोकॉर्डा की बॉडी पर मेटामर्स और मायोटोम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट होते हैं, अच्छे से दिखाई देते हैं। इनके ऊपर सेवरल फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं और ये फ्री स्विमिंग भी होते हैं। ये कॉर्डेट्स जो रहते हैं सिफेलोकॉर्डा वाले, ये बरो बनाकर मिट्टी में रहना पसंद करते हैं, या फिर पानी के अंदर जो कहना चाहिए मिट्टी होती है वहाँ भी। इसकी 28 स्पीशीज पाई जाती है जो कि आज फाउंड है, और भी हो सकती है लेकिन 28 स्पीशीज अभी फाउंड हो चुकी है। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा ब्रांचियोस्टोमा, जिसको हम एम्फियोक्सिस कह सकते हैं, वो इसकी एग्जाम्पल में आ सकते हैं क्योंकि ये सारी डिटेल्स तो सिफेलोकॉर्डा के अंदर आ ही रहे, तो ये सारे एग्जाम्पल्स इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर सिफेलोकॉर्डेटा वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सब फाइलम 4 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में, जिसका नाम होता है वर्टिब्रेटा। तो आज हमने जो क्लासिफिकेशन देखा वो कुछ इस तरह था। सिफेलोकॉर्डेटा एक क्लास में डिवाइड होता है जिसे सिफेलोकॉर्डा कहते हैं। सिफेलोकॉर्डा एक फैमिली में डिवाइड होता है जिसको ब्रांचियोस्टोमिडी कहते हैं। ब्रांचियोस्टोमिडी दो जेनेरा में डिवाइड होता है, ब्रांचियोस्टोमा एंड ए सिमेट्रॉन। इसी के अंदर एम्फियोक्सिस भी आता है। उसके बाद जो ब्रांचियोस्टोमा वाला पार्ट है उसमें 8 स्पीशीज होती है, और जो ए सिमेट्रॉन वाला पार्ट है उसमें 7 नॉन स्पीशीज होती हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर आर टूडेज लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।